अरे तू क्यों लगा रहा झाड़ू, वो रामवती ना आई। वो ना आई मैं लगा दूंगा। ले बेटे तू दूध पी ले, ले रहन दे। मैं अपने आप कर लेता, तुम खामा का क्यों दुखी हो? ना ना तू घना ना उड़ जा रहा कर, इसमें थक जाएगा खामा का। वैसे ही लगा रहे तू हमेशा। मैं ले रामवती को बुला के, तू दूध पी। वह वैसे ही बहुत छुट्टी मारे। दीपक। ताऊ जी राम राम। राम राम बेटे। तुझे महेश के बारे में पता है? ना ताऊ जी, उसका नाम मुझे पता। तुझे नहीं पता कहाँ गया? तू कुछ छुपा रहा लग रहा है मुझे, हैं? कुछ बिचड़ सी रहा तू। की रोटी खा खा कर शरीर खराब हो गया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक छुपने की तो जगह ना मिल रही। तू भी एक्सरसाइज करता है बेटे? जी 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 डैडी जी। अच्छा जी। अच्छा ये बता, कल तूने घर पर बात की थी, घर पर सब ठीक है ना? जी सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। अच्छा ये बता कि तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? कहाँ बताया था तुमने? जी लंदन में। लंदन में? लंदन में? पर तू तो ये बता रहा था कि वो अमेरिका में रहते हैं। पहले अमेरिका में रहते थे, अब लंदन में आ गए हैं। अच्छा हा? उस दिन तू ये बता रहा था कि पहले लंदन में रहते हैं, अब अमेरिका में आ गए हैं। ये देखिए ना, ये लंदन, ये अमेरिका, ये अमेरिका, ये लंदन टू अमेरिका, ये अमेरिका टू लंदन, लंदन अमेरिका, अमेरिका लंदन, हो गया ना बस। तू ये बता तेरे मम्मी पापा करते क्या हैं? जी वो तांगे का काम करते हैं। तांगे का काम करते हैं? तो मम्मी पापा तांगा चलाते हैं तुम्हारे? नहीं 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 नहीं, मम्मी तो हाउस वाइफ है। अच्छा तो पापा चलाते हैं तांगा? चलाते नहीं है। अच्छा बनाते हैं? बनाते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट करते हैं बड़े बड़े देशों को, जैसे घाना, कीनिया, सूडान, ऑस्ट्रिया, कैली फूफड़ा वगैरह वगैरह। कैली फूफड़ा? वो कैली फूफड़ा नहीं, कैली फूफड़ा नहीं, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूएस। कैलिफोर्निया? हाँ कैलिफोर्निया। हाँ, कैलिफोर्निया, 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 कैलिफोर्निया। कहाँ फंस गया इस अलझेड़े में? जीजा जी, बागपत, बड़ौत, कन्नड़, टटेसर वगैरह वगैरह। रुक गई। अच्छा कोई बात नहीं। ये क्या कह रहे हो आप? अरे मैं कुछ कहने लायक रह कहाँ गया हूँ? मतलब? मतलब छोड़, तू पूछ। तू क्या पूछने आई है? मैं पूछने नहीं खिलाने आई हूँ। टेस्ट करके देखो मम्मी ने कितनी अच्छी डिश बनाई है मेरे लिए। अमेजिंग। घर में रहकर लेडीज कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं। पर मुझे तो इस तरह घर पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती हूँ, बड़े काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर पर वो पार्टी कैसे हो सकती है? शादी हो चुकी है, अब लोग कहेंगे कि शादी पर तो बुलाया नहीं, और अब सबको शादी के बाद बुलाया जा रहा है। यही तो, पार्टी में तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि टाइम की शॉर्टेज के कारण हमने शादी जल्दबाजी में कर दी और अब पार्टी कर रहे हैं। पर लोग पूछेंगे शादी जल्दबाजी में क्यों की? तो कह देंगे जीजा जी को विदेश जाना था और फिर दूर दूर तक कोई मुहूर्त भी नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी मैनेज करके शादी अरेंज कर ली। हाँ तू कह तो ठीक रही है। इससे यही साबित होता है कि हमने समाज से छुप कर नहीं बल्कि जल्दबाजी में शादी कर ली। ऑफ कोर्स डैड, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तो ठीक है पार्टी हो जाए। हो जाए। तो ठीक है मैं अपनी फ्रेंड्स को और लोगों को इनवाइट कर देती हूँ। ओके ओके। अरे ध्यान से राखिए, कभी मेरी आंख लग जा और बुड्ढा आके बकवाद करे। महेश आगे बुड्ढा, ये क्या हो रहा है? तू कैसे दमाद जी के बिस्तर पर लेटा है? कुछ कुछ नहीं डैडी जी, कुछ नहीं, मैं तो इस लेटना सिखा रहा था इसे। लेट देख, सीख, शाबाश। लेटना सिखा रहा था? हाँ डैडी जी।
इसे लेटना भी नहीं आता क्या? फंस गए। आता है ना, पर गद्दे गद्दे पर लेटना सिखा रहा था ना। हाँ, वैसे हाँ तो ये बेचारा हाँ जी जमीन पर या चटाई बटाई पर सोता है ना, इसलिए। रोहित बेटे, घर में शादी की खुशी में पार्टी है। पार्टी? हाँ हाँ। पर पार्टी की क्या जरूरत है पापा? अरे बेटे, मैं शादी की खुशी में तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ। अच्छा बेटे, चल खड़ा हो ले। संजना, पार्टी किस बात की हो रही है? पार्टी? पिंकी कह रही थी कि मेरी शादी जल्दी करने के कारण आज पापा पार्टी में सबको बुलाकर ये बताएंगे कि अगर तब शादी जल्दी ना की जाती तो फिर शादी लेट हो जाती और रोहित अमेरिका चले जाते। बस ये समझ लो कि अपनी शान को झूठी बातों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर छोड़ो ना ये बेकार की बातें, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे कपड़े लाई हूँ। मुझे ना पहनने ये कपड़े। पहन के देखो, बहुत अच्छे लगोगे। मतलब मैं तेरे ब्याह की पार्टी में सज धज के घूमू, कैसे भी करके इस पार्टी की मना कर। महेश, मजबूरी है, मैं मना भी तो नहीं कर सकती। तो यू कूड़ मगज बताओगा कुछ बहाना मना करने का? मैं क्या करूं, मैंने कहा क्या पार्टी करने के लिए? अब करने को ना कही तो मने करने को तो कह सके। संजना प्लीज समझा दो इसको। नाम ले रहा है, खुराक मांग रहा दिखे। दीदी है तेरी, दीदी कहकर दीदी। मेरी दीदी क्यों होगी? अच्छा, और की है तेरी या पिटाई मांग रहा दिखे? आज मैं तुझे ही ठीक कर दूं। महेश, ये क्या कर रहे हो? महेश, क्या है? बटन बंद करना करना। पागल है, चल इधर आ, इधर आ, आ ना, आओ पिंकी आओ, इधर आ, आराम से देख टूट ना जाए। शाबाश शाबाश। वाओ जीजा जी, इन कपड़ों में तो आप और भी ज्यादा हैंडसम दिखोगे। क्यों नहीं क्यों नहीं, आखिर जीजा किसके हैं। अब तुम जाओ पिंकी, हम आ रहे हैं जी। हा? कोई ऐसा नहीं हुई साल तक जिंदगी में, कभी कोई गाना नहीं गाया। जीजा जी, जब आप गाना गाओगे तभी तो गाना आएगा। अरे नहीं नहीं संजना, समझाओ ना इसे। पिंकी रहने दो, क्यों जिद कर रही हो? जब उनका मन नहीं है तो रहने दो ना। हाँ, रहने दो। आज गाना महेश गाएगा। महेश गाओ ना प्लीज। सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है। सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। भी ना रह सकता कह के भी ना कह पाऊंगा, ना रीत समझ में आएगी ना रिवाज निभा पाऊंगा। खामोश भी ना रह सकता कह के भी ना कह पाऊंगा। पल पल है मन में वो पल में साथ नहीं है। सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है। सब
कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। सब जान रहे पर रिश्ते से नादान है, अपने को ही ठोक सकूं और तो सब अनजान है। ये रिश्ता तो सब जान रहे पर रिश्ते से नादान है, अपने को ही ठोक सकूं और तो सब अनजान है। गलगरों के थिरक रहे गलगरों के थिरक रहे, समझे मेरे हालात नहीं है, सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है, सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। महेश देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, खा लो। क्या बात है महेश, मैं तुम्हें पार्टी से देख रही हूँ, कुछ उदास से लग रहे हो। महेश बताओ तो सही, आखिर बात है क्या? देखो संजना, मैं गांव का एक सीधा साधा इंसान हूँ, इतना सब भी मैं तेरी वजह से कर रहा हूँ, वरना ये शहरी तौर तरीके मेरी बर्दाश्त के बाहर हैं। कोई गांव वाला ये देख ही नहीं सकता कि जिसकी गैल उसका ब्याह होना है वह किसी और की गैल नाचे, किसी और की गैल घूमे और कोई दूसरा तेरी कमर में हाथ डाल ले। मैं ये सहन ही नहीं कर सकता, शायद तुझे इस बात का एहसास ही नहीं है। तुम बात को गलत नजरिए से ले रहे हो। नजरिए की क्या बात है इसमें, जब बात ही गलत है। महेश मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तो रोहित और मेरी जोड़ी के बारे में पता है। ये मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन सॉरी बाबा, अगर तुम्हें गलत लगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस ध्यान ही रखिए संजना, वरना फिर मेरे ते मत कहिए। कहा ना ध्यान रखूंगी। हाँ और ना पिट जाओ किसी दिन मेरे पे, और घर वालों की समझ में भी ना आने का राग के था। अच्छा बाबा अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब तुम खाना खा लो, देखो ठंडा हो रहा है। ठीक है मैं अब खाना खा लूंगा, जा तू कभी कोई आ जावे। तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं तेरे तक गुस्सा हो सकूं कभी? अच्छा तो फिर चलो खाओ। हद हो गई हद, ओ उठ, हद हो गई हद, आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमरा किसका है और कमरे में जाता कौन है, कमरे में होता कौन है और कमरे से निकलता कौन है? क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रहे हो? न खुद सोते हो न मुझे सोने देते हो, घड़ी देखो रात के 12 बज रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि रात के 12 बज रहे हैं, ये हो क्या रहा है? कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कुछ दिनों से इस घर में हो क्या रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, खुद भी सो जाओ मुझे भी सोने दो, सुबह बातें करेंगे। तुझे सोने की पड़ रही है, मैंने अभी अभी संजना को महेश के कमरे से निकलते हुए देखा है। क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो, कोई सपना देखा होगा? सपना नहीं, मैंने अपनी इन आँखों से देखा है, खुली हुई आँखों से। तो गई होगी किसी काम से, इसमें बड़बड़ाने की क्या बात है? रात को 12 बजे क्या काम हो सकता है? हो सकता है दामाद जी ने किसी काम से भेजा हो।
उस दिन भी मैंने देखा था, वो महेश के कमरे में उसकी आंखों में आंखें डालकर बैठी हुई थी। हे भगवान, जिसके खुद की आंखें कमजोर हैं, वो दूसरों की आंखों की बातें कर रहे हैं, वो भी रात के 12 बजे। किसी के भी कमरे में पहुंच जाओ, अगर संजना है तो महेश जरूर मिलेगा। कभी वो उल्लू का पट्टा दमाजी के बिस्तर पर लेटा होगा और कभी कुछ कर रहा होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये महेश है कौन और ये संजना नहीं, ये रोहित कौन है। तुम्हें समझ में आने के बिना है, बताओ जी कैसा बाप है, अपनी ब्याही भरी बेटी पर शक कर रहा है। मुझे लगता है टाइम से पहले ही सठिया गए हो। तू तो अपनी अपनी गाय जा रही है, मेरी बात समझने की कोशिश ना कर रही तू। मैं सब समझ गई हूँ, सुबह तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है, बस डॉक्टर के पास लेकर जाना है। पता नहीं कर दे, क्या करूँ।